सो दिस इज़ ग्रैंड आइटन। ये गाड़ी मेरे यहाँ से कितनी लगी, कहीं और से लगी, हम उसका नाम नहीं लेंगे। और ये भाई साहब मेरा वीडियो देख के इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, गाड़ी के अंदर चलाने में वो मज़ा नहीं है जो होनी चाहिए। और वीडियो देख के ये 50 किलोमीटर चल के आए मेरे पास। आज इनकी गाड़ी में मैंने जो चेक किया, मैंने एक तो इनकी गैस इनलेट जहाँ जानी चाहिए वहाँ नहीं जा रहा था, मतलब जाना चाहिए और आगे रूट पे, वो बेसिकली रूट से काफ़ी दूर था। तो मैंने इनकी गैस की जो इनलेट है वो प्रॉपर किया मैंने। इनका प्लग, जिस भाई ने भी प्लग खोला या नया लगाया, प्लग सही था लेकिन उसके गैप को बिल्कुल चिपका रखा था ताकि करंट ज़्यादा है, करंट ज़्यादा आने से भी इन गाड़ियों में दिक्कत है। जो एक्चुअल इनका गैप होना चाहिए जब नई प्लग लेते हैं, जो एक्चुअल गैप होना चाहिए वही होना चाहिए। इनका थ्रोटल बॉडी चोक था वो किया मैंने, और इनके एडवांसर नहीं लगे थे, मैंने एडवांसर दोनों ऑफ़र दिया, स्टैटिक और डायनेमिक। इन्होंने डिसाइड किया नहीं, गो फॉर डायनेमिक, तो मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया। किट की सेटिंग में कुछ अपसेटिंग था, वो सेटिंग सही किया मैंने, और डायनेमिक एडवांसर का सेटिंग किया हूँ मैं। एक बार भैया से पूछते हैं कि पहले जो गाड़ी आप चला रहे थे क्या क्या दिक्कत था? गाड़ी बहुत ज़्यादा लैग हो रही थी और काफ़ी बार बंद हो जाती थी खड़ी खड़ी भी। हाँ। बहुत ज़्यादा वायरिंग प्रॉब्लम थी उसमें। हाँ। तो गाड़ी बहुत लैग कर रही थी और झटके बहुत ज़्यादा लग रहे थे उसमें गाड़ी में। हाँ। अब तो पता ही नहीं चल रहा है, पेट्रोल पे चल रही है, सीएनजी पे। हाँ। बहुत मज़ा आ रहा है अब तो गाड़ी चलाने में, मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई पेट्रोल पे ही चल रही है अब तो बिल्कुल। जो आप हमारे सारे वीडियो में देखते हो, कस्टमर का जो एंड रिव्यू होता है कि भाई साहब ये फील ही नहीं हो रहा है गाड़ी पेट्रोल पे सीएनजी पे चल रही है, आज आपको वो चीज़ फील हो गई है। तो ये क्वालिटी है जिसके लिए लोग आते हैं। आप 50 किलोमीटर चल के आए हो गाड़ी लेके, क्या आपका आना सही रहा? सही रहा बिल्कुल, डिसीजन हमारा बढ़िया रहा। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 4 दिन पहले यही गाड़ी ग्रैंड आइटन। हाँ जी हाँ जी, बंदा मुंबई से लेके आया। मैं वीडियो देखता हूँ आपकी, रेगुलर बेसिस वीडियो देखता हूँ आपकी डेली ही। तो मैं तभी, मैंने काफ़ी दिन से डिसाइड कर रखा था, बट पापा ने बोला कि आज जाना है, तो फिर मैंने कि चलो ये ठीक है आज जाते हैं। फिर अभी तो गाड़ी एसी पे चल रहा है। हाँ। और हमने यू टर्न लिया, कहीं कोई फील नहीं हुआ, कोई फील नहीं हुआ। पहले क्या होता था, पहले बहुत ज्यादा झटके लगते थे गाड़ी ऐसे गिट 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 उठती थी, फिर काफी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, बार बार क्लच एक्सीलरेटर संभालना पड़ता था कि कहीं बंद ना हो जाए गाड़ी, काफी बार एक्सीलरेशन करके रखना पड़ रहा था उसमें। अब बस आगे के लिए आप ध्यान रखना। हाँ जी, अब आना नहीं पड़ेगा, इसलिए आगे जब भी गाड़ी सर्विस कराओ इसके थ्रॉटल बॉडी खुलवा के साफ कराओ जैसे मैंने आज किया है, और स्पार्क प्लग बिना गैप छेड़े रेगमार से साफ, ठीक है, और 15,000 से 20,000 किलोमीटर में प्लग चेंज, ठीक, एयर फिल्टर हमेशा जेन्युइन डालो, बस ये काम कराओ और चलाते रहो, ठीक है। पैसे तो लगे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, बस काम ये अच्छा मजा पहले दिन से आता है। अगर जिस भाई ने भी किट लगाई है वो ये सब लगा के देता है जी, बिल्कुल। चलो मजा आया, बहुत बढ़िया, सेटिस्फाई। चलो थैंक यू। सो दिस इज द क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस, इट ऑल कम थ्रू एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि हमने गलती नहीं किया, गलती कर करके हमने भी सीखा, और आज के डेट में जो क्वालिटी हम दे रहे हैं वो अल्टीमेट है। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता भाई, और जो नए बंदे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।